वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नए हॉर्स लवर के लिए घोड़े की सिलेक्शन या घोड़ी की सिलेक्शन कैसे करी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी, टाइम वेस्ट करने के लिए। और फर्स्ट में हम देखेंगे घोड़े को, उसका बिहेवियर, क्योंकि जो शुरुआत में कोई भी घोड़ा खरीदता है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती घोड़े के बारे में, और राइडिंग टाइम पर बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। फर्स्ट में हमने वेट डाला हुआ है, घोड़ा बड़े आराम से बिट लेना चाहिए। अगर घोड़े आराम से बिट ले रहा है और आपके साथ बड़े आराम से आगे निकल रहा है, चल रहा है, तो घोड़ा बहुत शांत है, ठंडा है। सेकंड, उसके ऊपर खुद मत बैठो, फर्स्ट ओनर को बिठाओ। और अगर घोड़ा बड़े आराम से पैदल चल रहा है तो घोड़े में बहुत सेंसिटिव है, घोड़ा शांत है। और तीसरी बात, अगर जो सबसे ज़रूरी होती है, बिट आपके आने से पहले नहीं डला होना चाहिए। अगर डला हुआ हो तो घोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बिट नहीं ले रहा। तो उसके बाद राइडिंग टाइम पे अगर मालिक के हाथ में डंडा है, उसको घबरा डरा रहा है घोड़े को, तो भी प्रॉब्लम है, घोड़ा अच्छी तरह से नहीं चल रहा। आइए उसके बाद अगली प्रॉब्लम है देखते हैं। अगली क्या होती है, कई बार घोड़ा ले लेते हैं, घोड़ा बहुत ठंडा होता है, शांत होता है, लेकिन वो जैसे ही पैरों को हाथ लगाते हैं घबराते हैं, घोड़े घबराते हैं और नालबंदी नहीं करवाते, हूफ ट्रिमिंग नहीं करवाते। और आपने खुद नहीं, ओनर को बोलना है कि हमें पैर उठा के चारों चेक कर रखा कि दिखाए भी घोड़ा शांत है, सीधा है। और उसके बाद अगली आगे बारी घोड़े के फेस के अंदर की, मुंह के, अगर इसमें जीभ में कोई भी प्रॉब्लम, जख्म, या फिर छाले नहीं होने चाहिए। और आँख की परीक्षा, आँख को आप चेक करके देखो कि घोड़ा आँख झपक रहा है, अगर झपक रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी निगाह कम है। और आँख के अंदर आप चेक कर सकते हो, उसमें गुलाबीपन है, पीलापन है, लालपन है, और इससे आपको घोड़े की बॉडी के अंदर की जो प्रॉब्लम है, सिस्टम है जो, उसकी प्रॉब्लम का पता लग जाएगा। और उसके बाद चला के देखना चाहिए आपको, चलाने के टाइम पे घोड़े के आपने चारे टांगे नॉर्मल होनी चाहिए और आप ऊपर से घोड़े को घुमाओ। आइए मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ घोड़े को। और सेम इसी तरह घोड़े को बैक पुश करो। ये चीज़ें घोड़े में, अगर घोड़ा एक साइड में सर्कल दे रहा है तो दूसरी साइड भी नॉर्मल सर्कल वैसे ही होना चाहिए। घोड़ा पीछे को वापस मोड़ने टाइम पे गिरना नहीं चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली है, बंद करो।